गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों वी आर लाइव वी आर बैक ऑन दी प्लेनेट गेट यूट्यूब चैनल विद इस संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का तो बेटा संकल्प बैच आपके लिए वापस लेके आ गए और आज डिस्कस करेंगे कि कैसे सर्किट का एनालिसिस किया जाता है विद हेल्प ऑफ दैपलास्ट ट्रांसफॉर्म तो जैसा अभी तक हमने देखा हम लोग ट्रांजिएंट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कवर कर चुके हैं सेकंड ऑर्डर कर चुके हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से जनरल कोई भी सर्किट एनालाइज किया जाता है विद हेल्प ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग माइ नेम इज अंकित गोयल आई गॉट ए आई आर वन टू आईज इन गेट इन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी आई वॉज अवार ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल

दिन रात काम करते हैं ताकि आप तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाए जा सके और इसी फीलिंग के साथ काम करते हैं कि जो भी एफर्ट हम डालते हैं उससे बच्चों की लाइफ में कुछ डिफरेंस आता है और बच्चे उस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं अब ये देखो अगर आपको हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठाना है तो वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है बल्कि अन अकेडमी फ्री क्लासेस में भी हैं तो अन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा दैट इज अंकित ई अब देखो यार मेरी तो सारी फ्री क्लास आपको एक जगह मिल जाएंगी बेट डॉट्ली स्लैश अंकित यहाँ पे जाओगे अगर तो मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस पाओगे जितनी भी मैं अन अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ और जो क्लास आपको जो टॉपिक देखने का मन करे वो आप देख सकते हो यहाँ प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है इसके अलावा आप चाहे तो आ सकते हैं प्लस पे क्योंकि प्लस पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स और ना सिर्फ इतना आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट वीकली क्विज टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और डाउट क्लियरिंग इसके अलावा बेटा एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सारी ब्रांचेस सारे बैचेस मिलेंगे वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फाउंडेशन प्लेसमेंट इंटरव्यू पी एस यू एंड सेमेस्टर और अगर आप इससे भी आगे जाना चाहो देन गो विद आइकॉनिक क्योंकि आइकॉनिक के अंदर ये सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे साथ में मिलेगा एक पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर टीचर्स प्रोवाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन जहां आपको मोटिवेट करेंगे गाइड करेंगे इंस्पायर करेंगे और ना सिर्फ इतना आपके डाउट्स के लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है इमीजिएटली डाउट का आंसर दिया जाएगा स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ आपके टेस्ट के एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाएंगी अब देखो अगर यहां पे आप कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ये तो आपको मिलता है इमीजिएट टेन परसेंट का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करने का मौका ठीक है इसके अलावा आप चाहें तो ज्वाइन अगर आपको यह लगता है कि क्यों ज्वाइन करें सर तो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं बेटा देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना जब अटेंडेंस नहीं आते तो मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स अधूरे रह जाते हैं जब बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो कोई भी इनिशिएटिव वन गो में पूरा नहीं हो पाता जिस कारण से हमें सब्जेक्ट को ना ब्रेक करके पढ़ाना पड़ता है यानी कि हम एट वंस पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं निपटा पाते जबकि अगर आप अकेडमी आते हो तो पहले आपके दो सब्जेक्ट कराए जाएंगे फिर नेक्स्ट टू स्टार्ट होंगे इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स चलेगा स्टडी मटेरियल मिलेगा डाउट क्लियरिंग टेस्ट सीरीज एक सीरियस एनवायरमेंट आपको मिलेगा जिसमें कि सारे बच्चे रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं रैंक के लिए एकदम सीरियस हैं डेली बेसिस पे अटेंड करते हैं क्लासेस वहां से आपका खुद का भी मोटिवेशन इंप्रूव होता है और आपके लिए क्लास अटेंड करना हो जाता है उतना ही आसान अब बेटा देखो ये लास्ट टाइम हम लोग ऑफर रन कर रहे हैं ट्वेल्व प्लस थ्री मंथस अप्रैल के लिए वैलिड था तो इट इज वैलिड टिल ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल यानी कि वेंसडे तक तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हो अंकित ई कोड के साथ तो आपको मिलेगा ट्वेल्व मंथ्स पे थ्री मंथस का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिस इज द लास्ट कॉल फाइनल कॉल जिसके बाद ये ऑफर नहीं लौटने वाला है तो बेटा अगर अभी तक वेट कर रहे थे तो एक आखिरी बार आपके लिए दोबारे से सेम ऑफर खोल दिया गया है और ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है यार परसों से ट्वेंटी तो बैच आ रहा है तो इमीजिएटली सब लोग ज्वाइन कर जाएंगे ताकि इस बैच का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए और अंकित एसी से ज्वाइन करोगे तो बेटा बारह महीने की फीस होगी ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फाइव जिसमें एक्चुअली मिलेगा पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन अट्ठारह मंथ थर्टी फोर सिक्स एंड टू ई नाइन सिक्स हंड्रेड ठीक है बारह महीने का ले लो जल्दी से जल्दी बेटा क्योंकि यहां मिलेंगे फिफ्टीन मंथ्स आइकॉनिक ट्वेल्व मंथ की फीस होगी फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ईयर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड इज दैट क्लियर चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई शुरू करते हैं सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म अब देखो मैंने आपको बोला था इस लेक्चर के लिए बेसिक लैपलास आपको पता होना चाहिए जिसमें कि आपको उसकी प्रॉपर्टी और कुछ कॉमन फंक्शंस के लैपलास आपको नोन होने चाहिए तभी आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो ठीक है तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे बच्चों को बेसिक चीजें पता है लैपलास से रिलेटेड यानी एक्सपोनेशियल का लैपलास क्या है साइनोसोइडल का क्या है यूनिट स्टेप का क्या है ये सारी बातें आप लोग जानते हो और बेसिक बेसिक चीजें बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हो फिर भी चलो मैं लिखवा देता हूं देखो बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए यहां कि लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं एन डेरिवेटिव का ठीक है तो ये क्या होता है मैं लिखवा दे रहा हूं एक बार जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है अब आप ये मत सोचना एक्स की पावर एन माइनस वन है जब भी पावर ब्रैकेट में लिखी जाती है ना तो ये इतने ऑर्डर का डेरिवेटिव है जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर फिर थर्ड ऑर्डर एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव एक तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए लैपलास की ठीक है मेनली तो हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाकी बेसिक प्रॉपर्टी में आपको और क्या पता होना चाहिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी है एक्स वन एस प्लस एक्स टू एस अगर फंक्शन टाइम में शिफ्टेड है ठीक है ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए यार इसके अलावा कुछ कॉमन लैपलास ट्रांसफॉर्म जो कि आपको नोन होने चाहिए तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप इज बेसिकली वन बाय एस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स इज वन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू तो पावर माइनस ए टी यू टी इज वन बाय एस प्लस ए Okay. So. J. तो ये बेसिक बेसिक लैपलास ट्रांसफॉर्म है यार जो कि हर बच्चे को पता होने चाहिए कि किस टाइप से इन फंक्शंस का लैपलास डिफाइंड है क्लियर है और इसके अलावा आपको पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है किसी एक फंक्शन का और जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता दूंगा हाउ टू परफॉर्म दी पार्शियल फ्रैक्शन चलो अब शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें यार जब हम लोग टाइम डोमेन से लैपलास डोमेन जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है देखो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जब कभी जब कभी हम टाइम डोमेन में चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं तो देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी आई बाई डी टी सी डी वी बाई डी टी और जब इसका लैपलास ले, ले लेते हैं तो ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है या ये कह दो लीनियर इक्वेशन बन जाती है जिसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डिफ़रेंशियल इक्वेशन तो एक पॉइंट ये लिखना वी जनरली वी जनरली लाइक टू एनालाइज सर्किट्स वी जनरली लाइक टू एनालाइज सर्किट्स इन लैपलास डोमेन इन लैपलास डोमेन बिकॉज बिकॉज आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टाइम डोमेन आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टाइम डोमेन गेट्स कन्वर्टेड गेट्स कन्वर्टेड टू एन एलजैब्रिक इक्वेशन टू एन एल्जैब्रिक इक्वेशन इन लैपलास डोमेन इन लैपलास डोमेन ठीक है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है तो अब देखो one by one हम elements की बात करते हैं चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं resistor की ठीक है सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं अब हम ये देख रहे हैं बेसिकली जो हमारे बेसिक सर्किट एलिमेंट है ना ये लैपलास में किस टाइप से रिप्रेजेंट किए जाएंगे अब देखो रेजिस्टेंस को आप टाइम डोमेन में कैसे दिखाते हो ऐसे दिखाया जाता है अब जब आप लैपलास लेते हो तो ये आ जाता है यानी कि अगर हम लैपलास डोमेन में भी एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो रेजिस्टेंस एज इट इज रहने वाला है ये देखो ये रेजिस्टेंस का ना बेस्ट पार्ट है बेस्ट पार्ट क्या है कि किसी भी डोमेन में चले जाओ आप रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहता है रेजिस्टेंस के अंदर किसी प्रकार से कोई चेंज देखने नहीं मिलता है तो हम ये लिख भी देते हैं रेजिस्टेंस बिहेव्स इन सेम मैनर इन सेम मैनर इन ऑल डोमेन्स इन ऑल डोमेन्स ठीक है यानी कि चाहे हम बात करें टाइम डोमेन की चाहे हम बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन की चाहे फिर हम बात करें लैपलास डोमेन की तो सभी में रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है ना वो एकदम एक जैसा रहता है यानी कि V इक्वल टू आई आर वाला हर जगह वैलिड है ठीक है अब इसीलिए हम चलते हैं दूसरे एलिमेंट पे पहला एलिमेंट हमने देख लिया दूसरा लेटर सी कैपेसिटर अब देखो कैपेसिटर कैसे शो करते हो इस तरह से पैरेलल प्लेट की तरीके से आई टी वी टी और सी अब आप यहां पे क्या लिखते हो भाई टाइम डोमेन में रिलेशन क्या होता है जब कभी करेंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता नजर आए तो सी डी वी टी बायटी सी डी वी बाई डी टी अब यहां जब आप लैपलास लेंगे तो आप लैपलास ले लेते टाइम यहां पे यूज करेंगे डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी ठीक है यहां पे क्या यूज करोगे यूज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ठीक है तो यहां पे आप लिखोगे आई एस इज इक्वल टू सी एस वी एस माइनस वी जीरो ठीक है ये आपने लिखा अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई अगर मैं वी एस लिखना चाहूं अगर मैं वी एस लिखना चाहूं आई एस बाय एस सी प्लस और ये जो है ना वी जीरो प्लस है वी जीरो प्लस बाय एस वैसे तो देखो फर्क नहीं पड़ता जीरो माइनस और जीरो प्लस पे कैपेसिटर की वोल्टेज एग्जैक्टली सेम रहेगी अब देखो इसका क्या मतलब हुआ ये वी जीरो प्लस क्या है दिस इज इनिशियल वोल्टेज एक्रॉस इनिशियल वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर ठीक है तो अब अगर आप इस इक्वेशन के आधार पे सर्किट बनाते हो यहां पे देखो आई एस और ये वी जीरो प्लस बाई एस अब सर ये क्या सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है देखो ये बेटा ये जो वन बाय एस सी दिखाया ना इसे हम कहते हैं इंपीडेंस इसे हम क्या कहते हैं इंपीडेंस इम्पीडेंस का क्या फंडा होता है कि जैसे ओम्स लॉ रेजिस्टेंस में लगता है ना सेम तरीके से ओम्स लॉ इम्पीडेंस में भी लगता है यानी इस इम्पीडेंस के अक्रॉस की वोल्टेज अगर देखोगे ना यहां पे अब अगर हम वोल्टेज दिखाएं भाई चलो यहां दिखा देते हैं तो ये आई एस इनटू वन बाय एस सी आएगी आई एस इनटू 1 बाय एस सी और इस पे भी प्लस माइनस ऐसे है तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगी वी एस बनाने के लिए दोनों एड हो जाएंगी आई एस इंटू वन बाय एस सी प्लस वी जीरो बाय एस अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो वोल्टेज सोर्स लगा इसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड हुई तो मैं आपको बताता हूं पोलैरिटी ऑफ वी जीरो प्लस बाय एस इज सेम एज सेम एज पोलैरिटी ऑफ इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ठीक है यानी जो पोलैरिटी इनिशियल वोल्टेज की होगी उसी पोलैरिटी का आप एक सोर्स दिखाएंगे अब यहां पे आप एक चीज और कर सकते हो आ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद विदिडेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ करेंट सोर्स पैरल टू अंपिडेंस किस तरह से बाय द यूज ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर मैं यहां पे कहूं बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करेंट सोर्स का कैसे डायरेक्शन दिखाते हैं करेंट सोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलता हुआ हमें दिखाना पड़ेगा ठीक है करेंट सोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है आउट गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ करंट लेना जरूरी है तो आप देखो यहां पे आपका करंट सोर्स कितना आएगा ये वोल्टेज सोर्स था वी जीरो एस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस तो ये आएगा ये आएगा C वी जीरो प्लस वोल्टेज सोर्स बाय इंपीडेंस ये आया वन बाय एस ये पूरी वोल्टेज हो गई वी एस और ये करंट हो गया आई एस तो देखो अगर यहां पे आप के सी एल लगाओ ना तो ये आई एस बेसिकली है क्या आई एस है जो करंट इसमें जा रहा है माइनस सी वी जीरो प्लस तो ये है एस सी वी एस ठीक है अब देखो यही इक्वेशन तो यहां पे आई थी यही इक्वेशन तो आई थी देखो ये री एस सी वी एस माइनस सी वी जीरो एस सी वी एस माइनस सी वी जीरो और वही आ रही है एस सी वी एस माइनस सी वी जीरो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फाइनली कैपेसिटर की जो मॉडलिंग है कि ये हमारा टाइम डोमेन में है ठीक है अब इसके बाद वोल्टेज सोर्स की मदद से अगर दिखाओगे वैसे ना आप एक ही मॉडल याद करो कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वाला क्योंकि इसको ना बनाना आसान है क्यों बनाना आसान है पोलैरिटी डायरेक्शन की चिंता ही नहीं है हमें क्या पता है वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी आती है वो सेम एज पोलैरिटी ऑफ इनिशियल वोल्टेज होती है है ना तो ये आपका कैपेसिटर है अच्छा एक चीज और ध्यान रखना अगर कैपेसिटर की वोल्टेज की कभी बात करोगे ना टोटल लेना बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में गलती क्या कर देते हैं कि भाई अगर मैं कैपेसिटर की वोल्टेज निकलवा रहा हूं तो बस वन बाय एस की निकालेंगे नहीं ये पूरा एक कैपेसिटर का ही मॉडल है तो जब आपसे कैपेसिटर की वोल्टेज पूछी जाए तब आपको क्या करना है टोटल ब्रांच की वोल्टेज निकालनी है ठीक है अब देखो करंट सोर्स की मदद से कैसा आया था सर्किट एस ये करंट सोर्स वाला था लेकिन याद बस आपको ना ये वाला सर्किट करना है कैपेसिटर के, के केस में बेसिक बेसिक चीजें याद कर लो ठीक है अब अगले पे चलते हैं तीसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा तीसरा एलिमेंट है बेटा इंडक्टर अब तो आप समझ ही गए हो चालू बच्चे हो गए हो कि कैसे इसको डील करना है इंडक्टर को कैसे डील करना है कि भैया यहां पे भी कैपेसिटर की तरह ही जाएंगे बस करेंट और वोल्टेज एक्सचेंज आते हैं ना कैपेसिटर में सी डीवी बाई डी टी होता है यहां एल डी आई बाई डी टी होता है ठीक है तो देखो ये वी टी हम लिखते हैं एल डी आई टी बायीटी अब टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स टेक लैपलास्ट ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स अब अगर आप लैपलास्ट लोगे मेरे भाई तो वी ऑफ एस ये बना अब देखो ये आपके पास बन गया ये अगर बन गया मेरे भाई तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इस इक्वेशन को अभी मैंने बताया ना आई में जो मल्टीप्लाई होता है वो टर्म क्या होती है इंपीडेंस एस हो गया और फिर माइनस करना है माइनस करने का मतलब है जो एस की पोलैरिटी आएगी उससे अपोजिट पोलैरिटी लेनी है देखो ये इक्वेशन कैसी बनी आई ये वी और ये हो गया एल आई जीरो अब ये जो एस एल है ना इसमें पोलैरिटी कैसी आएगी देखो प्लस माइनस और एल आई जीरो में क्या आएगा माइनस प्लस क्यों हुआ माइनस प्लस क्योंकि इसमें प्लस माइनस आया ये दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही थी दैट मींस कि इसकी पोलैरिटी उल्टी आनी चाहिए माइनस प्लस अब बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखो जैसे आपने कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स वाला सर्किट याद किया है ना ऐसे इंडक्टर के अंदर आप करंट सोर्स वाला याद करें कौन से वाला सर्किट याद करोगे भाई करंट सोर्स वाला याद करोगे अब आपको पता है डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं करंट सोर्स की कैसे दिखाते हो जल्दी से बता दो मुझे आप दिखाते हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलते हुए ऐसे थीके? तो एल आई जीरो बाई एस एल यानी आई जीरो बाई एस आई जीरो बाई एस यहां पे आई ऑफ एस आया ये हुआ ठीक है अब यहां पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि सर यही वाला क्यों बोल रहे हो याद रखने वोल्टेज सोर्स वाला क्यों ना करें उसका रीजन है डायरेक्शन यहां ना डायरेक्शन इजी है डायरेक्शन ऑफ आई जीरो बाई एस एज सेम एज इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इनिशियल करेंट तो इंडक्टर में जो आपको इनिशियल करंट की डायरेक्शन दी हो आप उसके हिसाब से बना लो ये सोर्स अब देखो याद रखना भी आसान है इंडक्टर बन जाता है एस इंडक्टर बन जाता है एस कैपेसिटर बन जाता है वन बाय सी इंडक्टर बन जाता है एस एल कैपेसिटर बन जाता है वन बाय सी अब यहां ये देखना जब आप कैपेसिटर का मॉडल बनाए तो क्या आया इनिशियल वैल्यू s इंडक्टर का मॉडल बनाए तो अगेन क्या आया इनिशियल करेंट s तो कैपेसिटर में जो सोर्स आता है उसकी वैल्यू है इनिशियल वोल्टेज अपॉन एस और इंडक्टर में जो करेंट सोर्स आता है उसकी वैल्यू है इनिशियल करेंट बायस कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी सेम एज इनिशियल वोल्टेज इंडक्टर में करंट सोर्स की डायरेक्शन सेम एज इनिशियल करंट। तो ये वाले पॉइंट्स लिखना देखो मैं एक काम करता हूं ठीक है फर्स्ट इंपीडेंस ठीक है इंपीडेंस के अंदर बेटा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो Z इज इक्वल टू आर इंडक्टेंस की बात करें इंपीडेंस को Z से दिखाते हैं कैपेसिटेंस की बात करें अब पता है देखो अच्छी बात क्या है ये सारे ना ओम्स में आ गए यार एक चीज सोच के देखना अब तक आप इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर को अलग अलग क्यों रखे थे क्योंकि सबकी यूनिट अलग थी इंडक्टर की हेनरी कैपेसिटर की फेरेड रेजिस्टेंस की ओम अब जब सबकी ओम हो गई तो दैट मींस दे कैन बी कंबाइन टुगेदर। तो ये ब्यूटी है बेटा लैपलास ट्रांसफॉर्म की कि यहां आर एल और सी में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है उनका लैपलास लो एंड दे विल बी ट्रीटेड इन सिमिलर मैनर तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ कहता है वी ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस इंटू जेड चलो ये आ गई सेकंड सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है यूज वोल्टेज सोर्स ऑफ वैल्यू वी जीरो बाय एस इन सीरीज विद वन बाय एस सी ठीक है सिमिलरली यूज करेंट सोर्स देखो इस चैप्टर में थ्योरी बस इतनी है थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं है बेटा कभी थ्योरी ढूंढ रहे हो इसके अंदर आई जीरो बाई एस इन पैरल टू एस एल ठीक है फिर इसके बाद पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स इन सी एज सेम एज इनिशियल वोल्टेज एक्रॉस सी जो भी इनिशियल वोल्टेज की पोलैरिटी है उसी जैसी पोलैरिटी आपकी वोल्टेज सोर्स की भी आएगी ठीक है एंड द लास्ट वन पोलैरिटी ऑफ करेंट सोर्स पोलैरिटी ऑफ करेंट सोर्स इन एल सेम as इनिशियल करेंट थ्रू एल इनिशियल करेंट थ्रू एल ठीक है ये हो जाएगा ये बात क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई ना तो ये बेसिक चीजें अगर आप याद रखोगे तो आप लैपलास पे बेस्ड हर क्वेश्चन को सॉल्ट आउट कर सकते हो चलो अब क्वेश्चन पे ही चलते हैं एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं ठीक इन सर्किट ऑफ द फिगर द स्विच मूव फ्रॉम ए टू बी एट टी इक्वल टू जीरो अब देखो एट ए या एट हमें इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी ना एट टी इक्वल टू जीरो माइनस क्या है स्विच ए पे है फॉर लॉन्ग टाइम है जब कोई चीज कहीं पर बहुत लंबे समय तक टिक जाती है तो क्या होगा नेटवर्क इन स्टडी स्टेट नेटवर्क अगर स्टडी स्टेट में आया भाई तो इंडक्टर विल बी शॉर्ट इंडक्टर अगर शॉर्ट हो गया तो देखो जरा i जीरो माइनस एज i नॉट ठीक है एक इनिशियल करंट मिल गया अब बेटा देखो फॉर t ग्रेटर देन जीरो क्या होगा ये जो v नॉट वाला सोर्स है ये किस टाइम पे आके लगा जीरो पे आके लगा ना तो आप चाहो तो ना इसको यूटी के साथ लिख सकते हो किसके साथ यूटी के क्योंकि ये कनेक्ट कब हुआ है जीरो पे तो ये देखो ये एक सर्किट बन गया करने को इसे मैं डायरेक्ट ट्रांजिएंट वाली इक्वेशन से कर दूं कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि मेरे पास क्या है इनिशियल वैल्यू है यहां से आ जाएगी फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगा टाओ मैं लिख सकता हूं इक्वेशन लेकिन आज वो ऑब्जेक्टिव नहीं है आज का ऑब्जेक्टिव क्या है आज हमें इसी सेम क्वेश्चन को लैपलास की मदद से करना है ठीक है यह समझ आया मैं लिख भी देता हूं सेंस सेंस वोल्टेज सोर्स सेंस वोल्टेज सोर्स गेट्स कनेक्टेड गेट्स कनेक्टेड इन नेटवर्क एट टी इक्वल टू जीरो वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड वोल्टेज सोर्स इज represented बाय यूनिट स्टेप ठीक है बाय यूनिट स्टेप सही है ना यूनिट स्टेप से दिखा दिया भाई हमने उसको अब देखो इन लैपलास डोमेन अब आप क्या करेंगे आप इस पूरे सर्किट का लैपलास ले लेंगे इन डोमेन अब आप जो बच्चों सर्किट बनाओगे ना वो सर्किट कैसा बनेगा यूनिट स्टेप का लैपलास आप जानते हो वन बाय एस होता है तो वी नॉट बाय रेजिस्टेंस का लैपलास भली भांति जानते हो एज इट इज रहता है और इंडक्टर के लैपलास में आपको क्या चाहिए होता है एक इंडक्टर की इंपीडेंस और एक इनिशियल करंट का सोर्स अब भाई इनिशियल करंट किधर दिखाएं एरो इनिशियल करंट किधर दिखाएं इनिशियल करंट नीचे दिखाया गया था तो इनिशियल करंट का एरो भी नीचे ही आएगा अब कैसे सॉल्व करेंगे सर आगे देखो ये आई ऑफ एस आया इधर कितना गया होगा आई माइनस आई नॉट बाय एस ये गया होगा ठीक है अब इसमें लगाओ के वी एल बाई के वी एल वी ऑफ एस सॉरी वी ऑफ एस नहीं वी नॉट बाय एस is आर इन टू आई ऑफ एस प्लस एस एल आई ऑफ एस माइनस आई नॉट बाई एस अब आपको क्या चाहिए आपको इंडक्टर का करेंट चाहिए और फिर मैं बता दूं मेरे बच्चों इंडक्टर का करंट सिर्फ एस एल वाला करंट नहीं होता ये जो पूरा मॉडल है ना ये पूरा का पूरा मॉडल ही इंडक्टर है ये पूरा इंडक्टर है आप ये मत सोचो कि इंडक्टर का करंट माने ये एस एल वाले का करंट ऐसा नहीं है ये पूरा मॉडल जो मैंने डॉटेड दिखाया ना ये पूरा इंडक्टर है तो इसका टोटल करंट लेना है यानी आपको कौन सा करंट निकालना है आई ऑफ एस अब आई ऑफ एस के टर्म्स को अगर सेपरेट करें तो देखना जरा वी नॉट बाय एस एस से एस कटा एल आई नॉट एल आई नॉट आर प्लस एस एल आई ऑफ एस ठीक है ये बना तो यहां से बेटा आई ऑफ एस कितना बन गया वी नॉट बाई एस एस एल प्लस आर प्लस एल आई नॉट बाई एस एल प्लस आर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना एल से डिवाइड कर दो देखते चलना मेरी बात देखते चलो अब भाई यहां पे क्या करना है यहां पे आपको क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो देखो एस जीरो है एक एस है माइनस आर बाय क्या है एस माइनस आर बाय तो जब आप बेटा एस को जीरो डालोगे ना तो आप ये वाला एस इग्नोर करके जीरो इसमें डालो आपको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन करना है पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है मुझे ये जो डिनोमिनेटर में दो टर्म आ रही है इन्हें अलग अलग करना है अलग अलग करने के लिए एक टर्म एस वाली आएगी एक आएगी एस प्लस आर एस वाली टर्म का रूट क्या है जीरो तो जब आप एस को जीरो एस का कोएफिशिएंट निकालोगे तो एस को डालोगे जीरो लेकिन एस के अलावा बची हुई टर्म में यानी देखो कैसे वी नॉट बाय इसमें एस को जीरो डालो समझ आया एस का कोएफिशिएंट कैसे निकाला एस को हटा के जिसका आप कोएफिशिएंट निकाल रहे हो उसे हटा के उसका रूट बचे हुए फंक्शन में डाल दो बचे हुए फंक्शन में क्या डाल दो एस एस इक्वल टू जीरो अब ऐसे ही अगर एस प्लस आर बाई एल है माइनस आर बाई एल तो आप एस प्लस आर बाई एल को हटा के बचे हुए फंक्शन में क्या डालोगे माइनस आर s एस प्लस आर बाय को हटाओ और एस को डालो माइनस आर बाय ठीक है और ये तो टर्म सॉर्टेड है तीसरी समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन आपको लग रहा होगा सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है बेटा ये सब चीजें माइंड में हो जाती हैं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अब देखो जरा यहां पे देखो अगर एस को जीरो डाला तो क्या बनेगा वी नॉट बाय ओवर आर बाय एल यानी आएगा वी नॉट बाय आर v नॉट बाय r डिवाइडेड बाई s चलो जी अगले में आ जाओ s को अगर माइनस आर बाय एल डाला तो माइनस आर बाय एल का मतलब है माइनस वी नॉट एल बाय आर माइनस वी नॉट वी नॉट बाय एल भी था तो माइनस वी नॉट बाय आर अब अगर आप लैपलास इनवर्स लेते हो तो एस प्लस ए का होता है ई टू पावर माइनस ए टी वन बाय एस प्लस ए का होता है ई टू पावर माइनस ए टी यू टी ये आ गया फंक्शन देखो यही फंक्शन आपका वहां से भी आता अगर आप टाइम डोमेन से भी जाते ना तो भी यही फंक्शन आता और यही फंक्शन आपका लैपलास से आया लेकिन देख रहे हो सेम चीज करने में मेहनत कितनी बढ़ गई लैपलास से इसीलिए तो कहता हूं जब सिंपल डीसी सोर्स हो तो ट्रांजिएंट की इक्वेशन लगाओ नेसेसरी हो जाए नहीं लगाना चाहिए चलो अब अगला आप ट्राई करो जैसे पहले सीरीज आर एल था इस बार पैरेलल आरसी है अगेन इसे किया बहुत इजीली जा सकता है ट्रांजिएंट इक्वेशन से लेकिन आसान काम करना तो हमें पसंद नहीं है इसीलिए आप डिफिकल्ट करोगे तो आप क्या करोगे यहां पे आप इसको लैपलास से करेंगे चलो जल्दी से बताओ कम ऑन एवरीबॉडी द स्विच इन द फिगर हैज बीन इन पोजिशन बी फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज मूव टू एट टी इक्वल टू जीरो डिटाम वी टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो ये टी जीरो पे ना स्विच बी से ए गया है सेकेंड ऑर्डर में भी तो सिखाया भाई डायरेक्ट इक्वेशन लिखना सेकेंड ऑर्डर में कैसे सिखाया था कि पहले डैम्पिंग चेक कर लो अंडर डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड क्रिटिकली डैम्प्ड उसके अनुसार इक्वेशन लिख लो

ट्रांजिएंट की इक्वेशन चलती है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर सर्किट में अगर वहाँ के सोर्सेज परफेक्ट डीसी सोर्स होते हैं या स्टेप सोर्स होते हैं लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल है साइन है कॉस है कोई भी ऐसा फंक्शन है देन यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म चलो बनाया किसी ने पहले जीरो माइनस निकाल लो एट टी इक्वल टू जीरो माइनस ये बताओ कितना आ रहा है वी टी स्विच एट बी सर्किट इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर इज ओपन तो देखो ये आ गया ना सिंपली वी नॉट यह बन गया ये निकाल लिया था सब लोगों ने वी सी जीरो माइनस वी नॉट अब अगले स्टेप में क्या करोगे पहले t ग्रेटर देन जीरो का सर्किट बनाओगे t ग्रेटर देन जीरो का सर्किट बना के फिर उसका लैपलास आप लोग लेंगे ठीक है तो t ग्रेटर देन जीरो पे हमारा सर्किट कैसा होगा ये वी नॉट वाला सोर्स तो हट जाएगा चलो ये सर्किट है ना अब इसका लैपलास ले लो अब इसका लैपलास ले लो और आप इसको सिंप्लीफाई करो आपको क्या चाहिए कैपेसिटर की वोल्टेज आपको चाहिए और पता है इसका लैपलास लेने के बाद इन केस आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हो कोई बड़ी चीज नहीं है अच्छा वैसे ये देखो ये आई नॉट इन यू टी लेना है ना क्योंकि सोर्स कब जुड़ा है इससे जीरो पे आके जुड़ा है ना तो इसमें यूटी भी दिखा सकते हो चलो करो इसको सिंप्लीफाई मैंने तो बोला ही था भाई जब तुम लोग लैपलास लैपलास के गुणगान कर रहे थे कि डायरेक्ट इक्वेशन से ट्रांजिएंट इज मच इजी एज कंपेयर टू लैपलास लैपलास में देखो जब भी ये नेटवर्क के सवाल जाते हैं ना तो इनका सोल्यूशन लेंदी जाता ही जाता है और लेंदी क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है है ना लेंदी क्वेश्चन में ये तो दिक्कत आती ही आती है बना इसका लैपलास सर्किट स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते चलो इन लैपलास डोमेन ये आई नॉट बाय रेजिस्टेंस तो आप लोग जानते ही हो एज इट इज रहता है भाई अब कैपेसिटर के बारे में आप जानते हो कि कैपेसिटर एक इंपीडेंस बन जाता है और साथ में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है ये होता है वन बाय एस सी वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी होती है ना वो सेम एज इनिशियल वोल्टेज होती है प्लस माइनस ठीक अब आपको पता है क्या चाहिए आपको टोटल वोल्टेज चाहिए तो ये ध्यान रखना मेरे भाई कैपेसिटर की वोल्टेज ये पूरी होती है सिर्फ वन बाय एस सी की वोल्टेज नहीं होती ये वन बाय एस सी की वोल्टेज नहीं होती ये पूरी वोल्टेज लेनी पड़ती है तो आप देखो यहां पे अगर आप ग्राउंड करते हो ये वोल्टेज है वी एस नोडल लगा लो आप सबसे बढ़िया काम क्या कर सकते हो नोडल लगा सकते हो लगाओ जरा नूडल और निकालो वीएस ठीक है करो इसको देख रहे हो जो क्वेश्चन आपके बाएं हाथ के खेल हो गए थे ट्रांजिएंट के अंदर यहां कितना टाइम लग रहा है उनमें और ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिया लैपलास के इसीलिए फिर से याद कर लो लैपलास वहां यूज करना है जहां मजबूरी है यानी जहां सर्किट नॉर्मल मेथड से नहीं बनेगा इट मे बी हायर ऑर्डर सर्किट थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर या फिर द सोर्स में नॉट बी अ अंस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स तो दैट प्लेस यू विल हैव टू यूज द लैपलास ट्रांसफॉर्म चलो बताओ देखो सारे करेंट आउट गोइंग मान लोगे गे वी एस माइनस वी नॉट बाय डिवाइडेड बाय वन बाय एस सी आउट गोइंग आ गए और इनकमिंग करंट है आई नॉट बाय आपको अब क्या करना पड़ेगा फिर से वीएस के टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा भाई ठीक है देखो वैसी सिचुएशन बन रही है ना लास्ट एग्जाम्पल जैसी यहां पे भी सी कॉमन ले लो भाई तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा अब क्या करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था जब एस का निकालोगे जब एस का कोएफिशिएंट निकालोगे तो जीरो डालोगे बचे हुए फंक्शन में इसमें अगर जीरो डाला भाई तो वन बाई आर सी आई नॉट बाई सी आर ऊपर चला गया तो आप इसको लिखोगे आई नॉट आर बाई एस फिर दूसरी टर्म के लिए क्या डालोगे माइनस वन बाय आर सी माइनस वन बाय आर सी अगर यहां डाला सी से सी कटेगा अब यहां पे v ऑफ t क्या लग रहा है ये आ गया ये आ गया ठीक है ये वैल्यू आ गई भाई ये बात क्लियर हुई भाई ये बात क्लियर हो गई तो यही रिलेशन हमारा आता अगर हम जाते नॉर्मल इक्वेशन से और सेम रिलेशन हमें मिलेगा अगर हम जाएंगे लैपलास से ठीक है अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है दिस इज योर होमवर्क तो ये आप सब लोगों को करके ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना मुझे आंसर कल नहीं चाहिए मुझे आज रात बारह बजे से पहले इसका आंसर चाहिए ये आपको दे दिया है ओम ठीक तो है है हेनरी हेनरी तो होमवर्क आपका तो आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कल उसमें हम स्टार्ट इस क्वेश्चन से करेंगे और कल मैं आपको क्या कराने वाला हूं कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे टर कल क्या करेंगे LC oscillator और फिर उस हमारा ये transient वाला पार्ट पूरा होता है एलसी ऑसिलेटर के बाद आपको की प्रैक्टिस कराऊंगा वेंसडे को तब हम ये कह सकते हैं लेक्चर नंबर फोर्टी वन में जाके ट्रांजियंट इज कंप्लीटली ओवर ठीक है भाई चलो अब बच्चो देखो अगर मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करनी है आज रात को आठ बजे से मैं ले रहा हूं और आठ बजे में क्या करा रहा हूं आज आठ बजे में करा रहा हूं पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के क्वेश्चन क्या करा रहा हूं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के क्वेश्चन जिसमें निकालना है आर एल सी तो ये वाले लिंक लिंक पे आपको उसका लिंक मिलेगा bit यहां जाओगे अपकमिंग स्पेशल क्लास में आपको लिंक मिल जाएगा इसके अलावा बेटा जैसा मैंने बताया एक लास्ट टाइम हम ऑफर रन कर रहे हैं दैट इज ट्वेल्व प्लस थ्री मंथ्स तो जो बच्चे अट्ठाईस तारीख तक लेते हैं तो उन्हें ट्वेल्व मंथ सब्सक्रिप्शन पे बेटा थ्री मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाला है कोड आपको पता है दैट इज अंकित ई अंकित सी और ये ऑफर सिर्फ 28 अप्रैल यानी तक वैलिड है बेटा और Wednesday से स्टार्ट हो रहा है नया बैच जो भी लोग जो भी लोग लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है वेंसडे से नया बैच आ रहा है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो अंकित ईएससी से वन ईयर फीस होगी ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड टू इयर्स का प्रेफर करो लेकिन अगर 28 तारीख से पहले ज्वाइन कर रहे हो तो वन ईयर में आपको ज्यादा बेनिफिट है अंकित ईएससी से आइकॉनिक वन ईयर फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी इसके अलावा ये है मेरा अन प्रोफाइल जिसको फॉलो कर सकते हो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कॉल कर सकते हो सेवन और इसके अलावा मेरे बच्चों अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो tinyurl.com/askdoubt ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं क्रिएट्रिक्स चैनल के नोट शेयर करता हूं सो थैंक यू एवरी वन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट अबाउट द वीडियो और आप आज के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे तब हम लोग कल ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे ठीक है सो अ ग्रेट डे एवरीबडी स्टे सेफ की